आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट सेक्रेटरीट, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से रिसेंटली एक ऑफिस मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंट पैकेज PMAP के हवाले से अनाउंस किया गया है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप इस ऑफिस मेमोरेंडम के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है ये बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस छोटी सी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस पैकेज है क्या। इस पैकेज से मुराद दोस्तों ये है कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लाई ड्यूरिंग सर्विस वफात पा जाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स में से एक मेंबर को गवर्नमेंट की तरफ से जॉब ऑफर की जाती है, जो जॉब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। समटाइम्स इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट कर दिया जाता है, इसके साथ साथ कुछ दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाता है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस डिवीजन की जानिब से एक OM लिखा गया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी, जिनका जवाब अभी कैबिनेट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने दे दिया है। जो ऑफिस मेमोरेंडम कैबिनेट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से रिसेंटली इशू किया गया, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इस ऑफिस मेमोरेंडम में पहली क्यूरी ये थी कि अगर एक फीमेल यानी कि डिजीज एम्प्लाई की डॉटर को प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज के तहत जॉब दी जाती है तो क्या ये फीमेल अपनी शादी के बाद जॉब कंटिन्यू कर सकेगी या नहीं। इसका जवाब कैबिनेट सेक्रेटरी ने कुछ इस तरह दिया है कि डिजीज एम्प्लाई की डॉटर मैरिज के बाद सर्विस करने के लिए इंटाइटल होगी। देन दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि डिजीज एम्प्लॉय की मैरिड डॉटर को इस पैकेज में जॉब ऑफर की जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब भी कुछ इस तरह से दिया गया है कि डिजीज एम्प्लॉय की मैरिड डॉटर को भी इस पैकेज के तहत जॉब दी जा सकती है। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर एक डिजीज एम्प्लॉय की विडो या उसका कोई बच्चा इस पैकेज में अपॉइंट होता है और वो रेगुलराइज परमानेंट भी हो जाता है, इसके बाद इसी डिजीज एम्प्लाई के एक और बच्चे को इस पैकेज के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दी जा सकती है या नहीं। तो इसका जवाब कैबिनेट सेक्रेटरी ने कुछ इस तरह से दिया है कि ये फैसिलिटी डिजीज एम्प्लाई के सिर्फ एक फैमिली मेंबर को दी जाएगी। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, ये वो ऑफिस मेमोरेंडम था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस पैकेज के हवाले से इशू किया गया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।